तो आज हम बैरिंग को बदलना और ड्रम पुल्ली को सेट करना सीखते हैं। तो पहले बैरिंग को बदलने के लिए ये पुराना बैरिंग हम निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए आपको बोल्ट निकाल लेने हैं, उसके बाद आपको एलन की से जो बोल्ट है उसको भी नट है उसको ढीला कर लेना है और फिर निकालना है। तो ये आराम से निकल जाएगा। अगर थोड़ा सा सॉफ्ट टाइट होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। और ये आसान है, आजकल यूसी बैरिंग आते हैं, इन पे नंबर भी लिखे होते हैं। पहले वालों में क्या था कि नंबर घिस जाते थे, तो जो एक्सपीरियंस था जिनको वो तो तुरंत बदल लेते थे, लेकिन नए आदमी को पता नहीं चलता था। अभी तो क्या है कि ये अंडर कवर आते हैं यूसी बैरिंग, तो इन पे क्या है नंबर वगैरह कभी आपके रिमूव नहीं होते और हमेशा दिखते हैं। तो ये हमने बैरिंग निकाल लिया है, ये देखिए ये है यूसी बैरिंग अंडर कर्व। इसमें ये है कि ये इसमें प्ले नहीं रहती, इसका ये फ़ायदा है यूसी बैरिंग का। तो इसको फिट करके और हमें एलन की से बोल्ट को कस देना है। एलन की बोल्ट भी होते हैं इसमें, उनको कस देना है ताकि ये एक जगह स्थिर हो जाए, शाफ्ट के ऊपर बिल्कुल एडजस्ट हो जाए। तो जिस साइड से ये लगे उस साइड से आप लगा के देख सकते हैं। अभी इस साइड से नहीं आया तो दूसरे साइड से हमने इसको फिट किया है। तो ये थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क आ जाता है, बाकी आपका फिट हो जाएगा। और अब इसके बोल्ट कस देते हैं हम। और बोल्ट कसने के बाद एलन के जो नट होते हैं उनको भी कस देना है हम। क्या तो पहले हम इनको कस देते हैं, उसके बाद एलन की वाले को कस देंगे। और इसके बाद क्या है कि हमें जो ड्रम पुल्ली होती है, इसके नीचे जो पुल्ली होती है उसको ड्रम पुल्ली बोलते हैं। एलिवेटर में जो पुल्ली होती है उसको ड्रम पुल्ली बोलते हैं। तो उसको सेट करने के लिए क्या होता है कि हमें जो ऊपर टेंशन ड्राइव लगी होती है उनको लूज या टाइट करना पड़ता है और उसको स्थिर करना पड़ता है। जैसे एक साइड अगर आपका फट्टा बग रहा है तो जिस साइड बग रहा है उस साइड से हमें नीचे करना है पुल्ली को, तो दूसरे साइड जाएगा। इसी प्रकार आप करके देखेंगे तो आपको आ जाएगा। तो दोनों साइड जो है टेंशन ड्राइव होती है उनसे हमें पट्टे को सेट करना है। इसने देखिए ये चीज़ गलत यहाँ पे कस दिया है, इससे क्या होगा हमारा पुल्ली नीचे नहीं जाएगा। तो इसको करने के बाद कसते हैं या फिर लूज ही रहने दीजिए इसको। ये देखिए अब हमारा पट्टा क्या है एक साइड बग रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए अब इसको खोलना पड़ा ना, क्योंकि ये नीचे नहीं जाने देगा इसका। अब पट्टे को हम फुल टाइट करेंगे दोनों साइड से टेंशन ड्राइव को बारी बारी से। इसको रोक के भी कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी आपको चला के तो देखना पड़ेगा, इसलिए हम चलते में ही कर रहे हैं। ये इधर से सेट हो गया है, दूसरी साइड से फिर हम दोनों साइड से बारी बारी से इसको, इससे क्या होगा पट्टा टाइट होता चला जाएगा और एकदम जब सेंटर में आ जाएगा वहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। तो सेंटर में तो आ गया है लेकिन थोड़ा लूज है अभी। ये देखिए पट्टा लूज भी नहीं रहा और एकदम सेंटर में चल रहा है, ये एकदम सही है। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये टेंशन ड्राइव है, दोनों साइड होती है,
इससे हम पट्टे को लूज या टाइट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। देखते रहिए और सीखते रहिए।